नमस्कार बच्चों, हमारे जो अध्याय चल रहा है स्पीति में बारिश, आज वो अध्याय संभवतः पूर्ण हो जाएगा। पहले पढ़ा दिया, उसके आगे देखिए। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत वहां तो ज्यादा दिनों का होता है, स्पीति में उससे भी कम दिनों का होता है। वसंत लाहौल से भी वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते। बच्चों, हमारे यहाँ वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं, लेकिन वहाँ लाहौल और स्पीति में वसंत में भी फूल नहीं खिलते। फिर पता नहीं वो वसंत आती क्यों है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली होती, न वे गंध होती है जो हमारे यहाँ होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल, जो अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज्यादा पड़ती है, यहाँ ठंड भी सर्दी भी लाहौल से ज्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, इतनी सर्दी पड़ती है कि नदियां तक जम जाती हैं, बर्फ बन जाती है नदियां। ऐसा लगता है जैसे बर्फ का मैदान हो। और हवाएं तेज चलती हैं, मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं, उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है, जो हवा लगती है ना खुले अंगों के, हाथ मुंह जो वो, इसके अलावा हाथ और मुंह के अलावा जो भी खुले हुए अंग हैं उनमें हवा ऐसे लगती है जैसे सूल चुभ रहे हैं। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती, बारिश। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, यहाँ मानसून की बारिश नहीं होती। बच्चों, जैसे हमारे यहाँ मानसून की बारिश होती है, स्पीति में मानसून की बारिश नहीं होती। पहली बात तो बारिश होती ही नहीं है वहाँ, आगे आएगा। वहाँ तो बारिश को किसी उत्सव की तरह देखा जाता है। जब जैसे हम साल में एक बार होली और दीपावली मनाते हैं और उत्सव मनाते हैं, प्रसन्न होते हैं, वहाँ तो उत्सव की तरह देखते हैं बारिश को, क्योंकि वहाँ के लोग बारिश जानते ही बहुत कम है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे, भाई हिमालय के मध्य भाग में मानसून नहीं जाता है, मानसून की बारिश नहीं होती है। यहाँ बरखा बाहर नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास जो महान संस्कृत के नाटककार हुए, कालिदास, उन्होंने नाटक लिखा ऋतु संहार। उस ऋतु संहार में, अपनी रचना में, ऋतुओं का तो संहार कर दिया उन्होंने, लेकिन उनको यहाँ का यदि वर्णन करते हैं तो बारिश का भी संहार करना पड़ेगा। बारिश का वर्णन वो नहीं कर सकते। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, कालिदास ने वर्षा का क्या भव्य वर्णन किया है ऋतु संहार में। यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है, कैसे वर्षा वर्णन है, कैसी बारिश होती है। यहाँ यदि वो करें तो प्रिय, यदि वो करते वर्षा का वर्णन, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, या कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। ये तो उन्होंने ऋतु संहार में वर्णन किया, लेकिन यदि स्पीति में बारिश का वर्णन करते तो वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। यहाँ पावस, यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता, वर्षा ऋतु यहाँ नहीं पहुँचती। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, मध्य भारत में कालिदास की वर्षा की शोभा है। उन्होंने जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, वो वास्तविक जो वर्णन है वो मध्य भारत में लागू होता है, जहाँ वर्षा अधिक होती है। हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं, हिमालय के भी तलहटी में तो बारिश हो जाती है, लेकिन मध्य घाटियों में, हिमालय के बीच में बारिश नहीं होती। ऊपर में तो, उत्तर में तो होने का प्रश्न ही नहीं, हिमालय की तलहटी में, नीचे की घाटी में ही बारिश होती। मैं नहीं जानता इसका लालित्य, कितना आनंद आता है बारिश से, इसकी क्या कोमलता होती है, क्या भावना होती है, मैं नहीं जानता। लाहौल स्पीति के नर नारी समझ पाएंगे या नहीं, मैं नहीं जानता कि वर्षा के महत्व को लाहौल और स्पीति के स्त्री पुरुष समझ भी पाते हैं होंगे नहीं। वर्षा, बारिश से कितना आनंद होता है, कितना मन प्रसन्न होता है, तो
तो मेरे को नहीं पता कि वहां के लोग इस बारिश के आनंद को जानते भी होंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, वर्षा से उनकी संवेदनाएं नहीं जागृत होती हैं। जो संवेदनाएं हमारी जागृत होती हैं, वैसी उनकी संवेदनाएं जागृत नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती, उनको नहीं पता कि बारिश में नदियां भी बहती, क्योंकि उनके वहां की नदियां तो बिना बारिश के ही बहती हैं। वहां की नदियां काहे से बहेंगी, बारिश होती ही नहीं है। बहुत कम 2-4 साल में कोई एक बार हो जाए 8 घंटे के लिए। उनको नहीं पता कि बारिश में नदियां बहती हैं। बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं। वर्षा ऋतु जो स्त्रियां अपने प्रियतम से बिछड़ जाती हैं, वो रोती धोती हैं, बार गोड़ा करती हैं, नाटक करती हैं रोने का। और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा चुकते हैं, और बंदर चुप्पी मारकर इधर उधर दौड़ना उछल कूद करना छोड़कर कहाँ जाकर छुप जाते हैं, गुफाओं में जाकर छुप जाते हैं। बंदरों को ध्यान रखना, बारिश अच्छी नहीं लगती। हाथियों को अच्छी लगती है, पक्षियों को अच्छी लगती है, मेंढक वगैरह इनको अच्छी लगती है, इंसानों को तो सबसे अच्छी लगती है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, यदि वहां जाकर ये वाक्य कहें, ये बातें कहें कालिदास, कहां स्पीति में, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है जो ये बात कह रहा है, क्योंकि वहां के लोग तो बारिश को जानते ही नहीं। वो कहेंगे कि कालिदास को ये देवता जी कौन है, महाराज कौन है, ये जो किसकी तारीफ कर रहे हैं ये, क्योंकि वहां के लोग बारिश को नहीं जानते। कहाँ रहता है ये, क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है, कभी कभार। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, वर्षा ऋतु मन की इच्छाएं पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है, यहाँ की धरती सूखी है ठंडी है बर्फ पड़ती है और बंध्या बंजर है, बंजर कुछ भी पैदा नहीं होता है। कुछ फसलों के अलावा दो फसलें, एक तो गेहूँ और एक जौ और दो सब्जियाँ, एक तो मटर और एक सरसों, पड़ चुके हो। स्थिति में साल में एक फसल होती है, साल में एक फसल होती है स्थिति में। मुख्य फसलें हैं दो किस्म का, एक तो जौ होता है, एक गेहूँ होता है, एक सब्जियों में मटर और सरसों होती है। इसमें भी जौ मुख्य है, गेहूँ से ज़्यादा जौ पैदा होता है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले, नदियों से पानी नहीं लिया जाता, क्योंकि कारण है जैसे ये स्पीति है बच्चों, ये मान लो स्पीति है पहाड़ों से ढकी हुई, नदी बह रही है, तो जमीन तो ऊंची है और नदियां ऊंचाई में बह रही है। भाई जमीन तो ऊंची है और नदियां ऊंचाई में, जमीन के थोड़ी नीचे बह रही है। अब खेतों में पानी कैसे लेकर जाएं, ईंधन वगैरह भी नहीं है वहाँ, बिजली का भी इतना वो नहीं है, तो नदियाँ तो खेतों के लिए फसल के लिए कोई उपयोग की है ही नहीं। हाँ नदी ऊंचाई में होती है और खेत उनके ऊंचाई में होते, जब तो रास्ता बनाकर नालियाँ बनाकर वो नदी का पानी अपने खेतों तक ले जाते, लेकिन नदियाँ ऊंचाई में और जमीन है जो ऊंचाई में, तो वो खेती के काम नहीं आता पानी। हाँ नालों जो पहाड़ों से नाले बहते हैं उनसे वो पानी लेकर आते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई से तो पानी को चाहिए इधर ले जाएंगे। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है, मेरी तरफ ध्यान दो, स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि पानी की ऊंचाई कम रह जाती है। चौड़ाई तो खूब है, एक तो पानी ज़्यादा ऊँचा हो तब भी दूसरी जगह ले जाया जा सकता है खेतों में, लेकिन इतना ऊँचाई पानी, अब इतने ऊंचे पानी को कैसे लेके जाए, तो चौड़ाई तो ज्यादा है पानी की और ऊंचाई कम है, गहराई कम है।
कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखना, स्पीति में ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जिस पर खेती की जा सकती है और खूब खेती की जा सकती है। इतनी ज़मीन है कि एक फसल में ही 12 न्यारा हो सकता है। वहाँ के लोग संपन्न हो सकते हैं। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, खूब पानी होना चाहिए, खेतों में खूब पानी डाला जाए तो वहाँ फसल भी बहुत अच्छी हो सकती है। या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए, जैसे हमारे यहाँ होते हैं इंजन वगैरह आ रही है, लाइट वगैरह से कोई और तरीका होना चाहिए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, फल नहीं होते वहाँ, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। आ चुका ऊपर, शायद ऊंचाई वायुमंडल के दबाव में, ऊंचाई पे स्थित है इसलिए वायुमंडल में दबाव में कमी, ठंड की अधिकता है वहाँ, वर्षा की कमी है वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, पेड़ भी नहीं होते। इसलिए स्पीति कैसी है, नंगी और वीरान है। नंगी कैसे है, पहाड़ ऐसे नजर आते हैं नंगे, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर, उनके ऊपर जमती है तो बर्फ ही जमती है। फिर वर्षा यहाँ एक घटना है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, बोलते ना दुर्घटना, तो अपन चर्चा करेंगे अरे यार एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ बारिश घटना है, लोग चर्चा करते हैं अरे यार आज बारिश आ गई, देखो बारिश आएगी, आज आ रही है 2 घंटे से आ रही है, बहुत बड़ी घटना है वहाँ बारिश का। पाठ का अंतिम चरण है, हम काजा के डाक बंगले में सो रहे हैं। काजा जगह है, वहाँ एक डाक बंगला है। बच्चों डाक बंगला क्या होता है, 10th में मैंने बताया है आपको, सरकारी लोगों के ठहरने की जो जगह होती है, नेताओं के जो ठहरने की जगह होती है उसे डाक बंगला कहते हैं। तो डाक बंगले में हम सो रहे थे, तो रात को अचानक लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है, कोई खिड़की बजा रहा है। ध्यान रखना कोई नहीं बजा रहा, बारिश हो रही है, तेज़ हवा चल रही है, तो खिड़की खुली रहेगी, हवा चलेगी तो बजेगी या नहीं। आधी रात का भी पिछला पहर है, अभी आधी रात का भी पिछला पहर है, पूरी आधी रात भी नहीं, इस समय कौन है, कौन हो सकता है इस समय जो खिड़की बजा रहा है। लैंप की लो तेज की, लैंप की रोशनी थोड़ी और तेज की, और खिड़की का एक पल्ला खोला, जानते हो ना पल्ला, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज़ हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। एक पल्ला खोला तो तेज़ हवा ऐसे आई जैसे मुंह और हाथ को छीलने लगी, क्योंकि वो तो सूल की तरह छूती है ठंडी हवा। मैंने पल्ला बिड़ा दिया, जानते हो ना बिड़ाना, वापस मैंने पल्ला बंद कर दिया, बिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी, कोई नहीं बजा रहा था खिड़की, गाय की आवाज़ थी, हवा चल रही थी उसकी, और थोड़ा सा खोल कर देखा ठंडी हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा, बारिश को नहीं देख रहा था, क्यों नहीं देख रहा था, क्योंकि बाहर अंधेरा था, रात को अंधेरा नहीं होता क्या, वहाँ कौन सी रोड लाइट है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था बारिश को, अंधेरा ठंड और हवा का झोंका आ रहा था जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदे पड़ रही थी, जैसे नंगाड़े पर थाप पड़ती हो, तेज आवाज हो रही थी बारिश की, दुंग छेन को हवा बजा रही थी। दुंग छेन एक वाद्य यंत्र होता है बच्चों, जैसे शंख जानते हो क्या, शंख बजाते हैं फूंक मार कर, वैसे ही एक वाद्य यंत्र होता है जिसको फूंक मार कर हवा के सहारे बजाया जाता है। तो वो दुंग छेन जो वाद्य यंत्र के बाहर पड़े थे उनमें हवा घुस रही थी, अब वो तो मुंह से हवा मार कर बजाया जाता है, वैसे हवा घुस रही थी तो वो बज रही थी अपने आप, दुंग छेन को हवा बजा रही थी। महासंघ की ध्वनि घाटी में तैर रही थी, स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, सुबह उठा चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा सुनी। जब सुबह उठा मैं चाय पी रहा था तब किसी से सुना कि भाई स्पीति के लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारी यात्रा सुबह, क्यों कैसे सुबह, क्योंकि हमारे जाने से वहाँ बारिश हुई इसलिए लोग हमको अच्छा मान रहे थे, हमारी यात्रा को शुभ मान रहे थे कि भाई इनके आने के कारण इनके पाँव पड़े जिससे कि यहाँ बारिश हुई। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। क्वेश्चन 1 से 6 करने हैं पाठ के साथ साथ, बस यही करने हैं। चैप्टर पूर्ण हो चुका है, इसमें पाठ के साथ साथ जो क्वेश्चन है वो 1 से 6 तक करने हैं बच्चों।
ठीक है, धन्यवाद।